अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। अभी अभी मैं सो के उठा था, ना फ्रेश हुआ हूँ ना नाश्ता किया है, तो हम नाश्ता भी कर लें और फ्रेश भी हो जाएं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा, तो मैं अपने व्लॉग्स के बारे में आपको गाइड करता हूँ। व्लॉग्स जो मेरे होंगे वो डेली बेसिस की रूटीन के ऊपर बनेंगे, जो लाइफ में मैं करता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये नहीं होगा कि कैमरा ऑन किया तो कुछ और कैमरा बंद किया तो कुछ और। जी गाइस, नाश्ता आ चुके हैं। नाश्ते में पराठा है और काले चने हैं, तो नाश्ता करके फिर आपसे बात करते हैं। 1 minute 37 seconds later. जी गाइस, मैं मार्केट में आया हूँ और मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मुझे किसी ने गाइड किया था कि SP शूज़ पे शूज़ की कलेक्शन अच्छी है, तो आए हम विज़िट करते हैं और देखते हैं कैसे इनके शूज़ की कलेक्शन है। जी हम एंटर हो चुके हैं शॉप के अंदर और ये शूज़ की कलेक्शन पड़ी हुई है। ये जेंट्स पे हैं, ये जॉगर्स हैं और ये स्नीकर्स, इसकी कलेक्शन है। ये भी जॉगर्स पड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये स्लीपर्स भी इनके पास मौजूद हैं, वाटरप्रूफ, लेडीज भी जेंट्स भी। ये इनकी कलेक्शन है। और इसके अलावा ये किड्स का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। किड्स के सेक्शन में जॉगर्स भी हैं, म्यूल्स भी हैं, इसके अलावा स्लीपर्स भी हैं, सैंडल्स भी हैं और स्कूल शूज़ भी हैं। फिर आगे ये लेडीज़ का हो जाता है सेक्शन स्टार्ट। कलेक्शन इनके पास बहुत ज़्यादा है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें लेडीज़ भी है, किड्स भी है और जेंट्स भी है। लेकिन हमें चाहिए जेंट्स के, लेकिन जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इनकी कलेक्शन। ये स्लीपर्स आ जाते हैं फैंसी और ये कैजुअल, और इसके अलावा ये सामने म्यूल्स लगे हुए हैं, ये पम्पीस आ गई हैं, इनकी कलेक्शन काफ़ी मज़ेदार है। ये सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये लेडीज़ के भी जॉगर्स वगैरह इनके पास अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जी ये मैं अपने पोर्शन में आ चुका हूँ और इनमें से मैंने स्नीकर्स लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जॉगर्स अवेलेबल हैं, तो जॉगर्स तो मैं नहीं लेता, लेकिन मुझे अब स्नीकर्स चाहिए, तो स्नीकर्स में से कुछ कलेक्शन देखते हैं। यार भैया बात सुनिएगा, ये वाइट वाला शूज़, इस पे मेरा साइज दिखाइएगा। ओह माय गॉड, ये शूज़ आ चुके हैं, तो अब ये हम ट्राई करते हैं। यार ये लेसिस तो उसके अंदर डाल दें। जी यार पहले मैं स्ट्राइप की तरफ करता हूँ। एक मिनट, ये देख, ये भाई मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच भाई। कोई बात नहीं, वेलकम बॉस, आपका शुक्रिया आपने विजिट किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस मुझे किसी ने कहा था कि आपके शॉप में ना अच्छी कलेक्शन है। मेरा शूज़ काउंटर पे पहुंच चुका है। और वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया? ठीक है, ये वाला मैंने लिया है, तो अब इसकी पेमेंट करवाते हैं। जी मैंने शॉपिंग कर ली है और अब देखते हैं कुछ मार्केट से और कुछ लेना है, क्योंकि मम्मा वगैरह भी मेरे साथ आई हुई हैं, वो मार्केट के अंदर ही हैं, पहले उन्हें ढूंढते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और लेना है तो ठीक है, वरना तो उसके बाद घर चलते हैं। जी गाइस, शॉपिंग करके हम घर आ चुके थे, तो मैंने सोचा कुछ आपको मैं अपने बारे में बता दूँ, क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी का पहला ब्लॉग है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था किस तरह ब्लॉग्स बनाते हैं किस तरह नहीं बनाते, ये मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट थी, तो ट्राई किया, तो अगर इसमें कुछ बोरिंग और कुछ बुरा लगा हुआ तो
उसे इग्नोर कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और मुझे अपने पर भरोसा है कि मैं आने वाले वक्तों में इससे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ जिससे आपको और अच्छा लगे। क्योंकि कोई भी इंसान कोई काम करता है तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होती है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो परफेक्ट नहीं होता, वो ट्राई कर करके उसकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो इंशाल्लाह जैसे मैं दिन ब दिन व्लॉग्स बनाऊँगा तो मेरे व्लॉग्स के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी और अच्छे भी लगेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आने वाले वक्तों में आपके लिए और भी ब्लॉग्स बनाऊँगा और मज़े मज़े के होंगे इंशाल्लाह। यहीं पे आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं। तो ज़िंदगी रहे, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं।